नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु और ये हमारी वेब फिल्टरिंग की नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 में आपका वेलकम है। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वेब फिल्टरिंग क्या होती है, ठीक है, कैसे वर्क करती है। मैंने आपको एक बताया था कि जो हमारा इन और आउट जो ट्रैफिक होता है वो वेब फिल्टरिंग में हमारा फिल्टर होता है, और उसी के बेस पे जो पॉलिसीज डिफाइन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्सेस गारंटेड होते हैं और एक्सेस डिनाइड होते हैं। तो अभी आपको ले चलते हैं लाइव, ठीक है। तो ये है साइब्रोम CR50ANG 6 10.6.6.MR3, ठीक है। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पे वायर फिल्टर। वेब फिल्टर सेटिंग्स में यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनाइड मैसेज, जो एक मैसेज आता है जब कोई भी यूजर आपका एक्सेस करता है, तो वहाँ पे आपका मैसेज आता है दिस वेबसाइट एक्सेस हैज बीन डिनाइड एंड समथिंग करके। तो आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने तरीके से, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो इनका HTML होता है वो अलग होता है। तो आप जैसे भी आपके मतलब चॉइस हो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे कैटेगरी, जो हमने बात की थी कि जो वेब फिल्टरिंग वर्क करती है वो वेबसाइट्स की कैटेगरीज पे वर्क करती है। तो यहाँ पे जो है ना कैटेगरीज होती हैं, ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज होती हैं, और जैसे जैसे फायरवॉल्स में अपडेट आता रहता है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं। और अगर आपके पास कोई भी URL है और आपको कैटेगरी नहीं पता है, ठीक है, आपका मतलब ओके, फर्स्ट चीज कैटेगरी। तो ये आपकी कैटेगरीज हैं यहाँ पे बहुत सारी, A to Z अल्फ़ाबेटिक होती हैं। तो आप यहाँ पे सारी कैटेगरीज चेक कर सकते हो, कि कैटेगरीज देख सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सेस अलाउ मतलब पॉलिसी बना सकते हो। फिर आता है कई बार क्या होता है कि आपका यूज़र जो है एक्सेस कर रहा है और आपको वो चीज़ ब्लॉक आपने की हुई है, लेकिन आपके यूज़र के सिस्टम पे वो ओपन हो रही है। एनी हाउ यूर टेस्टिंग इज़ फेल एंड जो भी आपने कैटेगरी ब्लॉक की थी वो ब्लॉक ही नहीं हो रही है। मे बी द URL विल बी मतलब जो URL है वो न्यू हो सकता है। तो अगर आपको पर्टिकुलर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी कोई बिजनेस रिक्वायरमेंट है किसी वेबसाइट को लेकर जो आपको एक्सेस होनी चाहिए, लेकिन आपकी जो कैटेगरीज आपने ब्लॉक की है वो उसी में आ रही है और उसकी वजह से जो है ब्लॉक हो रही है। तो दोनों के समय नहीं कि अलाउ करने, अलाउ जो ऑलरेडी हो रखी है उसको ब्लॉक करने में, और जो ब्लॉक है उसको अलाउ करने में आपका यहाँ पे काम आता है सर्च URL। तो आप यहाँ पे कोई भी URL सर्च करते कर सकते हो, जैसे कि फेसबुक मैं करता हूँ facebook.com, तो आपको ये कैटेगरी बता देगा कौन सी कैटेगरी है, दिस इज सोशल नेटवर्किंग। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पॉलिसी में किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग बंद करते हैं, नहीं करते हैं, किसको फेसबुक एक्सेस देना चाहते हैं, किसको नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो है सर्च URL आपका काम करता है। और जो वेब फिल्टरिंग होती है वो कैटेगरीज होती हैं, और ये कैटेगरीज पे आपको पॉलिसी जो है यहाँ पे पॉलिसी आपको बनानी होती है, ठीक है। मतलब होता क्या है कि यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखा रहा है कि क्या क्या कैटेगरी है, कैसे क्या है, और यहाँ पे आप अपनी खुद की कैटेगरी भी आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। लाइक आप फेसबुक ही है, अब फेसबुक की मैं बात करूँ यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग में दिखा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फेसबुक को मैं अलग फेसबुक कैटेगरी में ऐड करा दूँ, ताकि मैं जहाँ भी चाहूँ मतलब किस यूज़र को मैं फेसबुक पे एक्सेस देना चाहते हूँ लेकिन किसको नहीं देना चाहता हूँ, और किस यूज़र को मैं सिर्फ फेसबुक का एक्सेस देना चाहता हूँ लेकिन बाकी सारी जो भी सोशल मीडिया है उनको मैं एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ, तो आप उस केस में अपनी प्रीडिफाइन एक कैटेगरी बना सकते हो फेसबुक के नाम से। जो भी आपकी URL की रिक्वायरमेंट आप उसी के तरीके से यहाँ पे बना सकते हो। फिर उसमें आप यहाँ पे नेम, क्लासिफिकेशन, QoS पॉलिसी, कॉन्फ़िगरिंग कॉन्फ़िगर कैटेगरी और
जो भी आपका डोमेन है या फिर आपकी वेबसाइट है, आप यहाँ पे डोमेन यहाँ पे ऐड करा सकते हो और वेबसाइट आप यहाँ पे ऐड करा सकते हो, और उसके बाद जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आपकी एक वेब कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो कैटेगरी डिफरेंट, मतलब जैसे आप वहाँ पे आप फेसबुक जो है आपको सोशल मीडिया में दिखा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे आप ऐड करा दोगे, उस यूआरएल को आप ऐड करा दोगे, तो वो यूआरएल जो है सोशल मीडिया से हट के आपकी कैटेगरी में ऐड हो जाएगा, जिससे आप पॉलिसी जो आपने बनाई हुई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्टिकुलर यूजर के एक्सेस के लिए, तो उस केस में आपका पॉलिसी चेंज हो जाएगी और उसका एक्सेस जो है अलाउ और डिनाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप जो है कैटेगरी अपनी बना सकते हो, और कोई भी कैटेगरी जो आपको चेक करनी है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मतलब आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस कैटेगरी में मेरी साइट जो है ब्लॉक हो रही है और किस कैटेगरी की वजह से साइट एक्सेस हो रही है। फिर उसके बाद आता है पॉलिसी। तो आपको मतलब फर्स्ट स्टेप आपका है सर्च यूआरएल, आपको सर्च यूआरएल जो है सर्च करना होगा। फिर आपका स्टेप है कैटेगरी बनानी है या नहीं बनानी है, और कौन सी कैटेगरी आप एक्सेस करना चाहते हो, कौन सी नहीं करना चाहते हो। फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे पॉलिसी बनानी होती है। तो पॉलिसी आप बनाओगे तो यहाँ पे जो भी आपको डिजायर नेम देना है वो आप नाम दे सकते हो। फिर यहाँ पे अलाउ करना है, डिनाई करना है, जो भी मतलब आप यहाँ पे ऑप्शन देना चाहते हो, टेम्पलेट देना चाहते हो, वो आप टेम्पलेट दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो है जैसे आप पॉलिसी क्रिएट करोगे और यहाँ पे ओके आप करोगे, तो उसके बाद आपके लिए ऑप्शंस जो है अनेबल हो जाएंगे पॉलिसी क्रिएट करने के बाद। फिर पॉलिसी क्रिएट करने के बाद जो ऑप्शंस आपके अवेलेबल होंगे, तो वो आप जो है इस तरीके से आपको शो होगा। अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो यहाँ पे आपकी पॉलिसी जो है आप ऐड डिनाई जो भी आप एक्सेस अलाउ डिनाई करना चाहते हैं वो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। कैटेगरी के अंदर एक एक चीज़ें जो है आप कैटेगरी वाइज आप डिफाइन कर सकते हो। जो भी कैटेगरी आप अलाउ करना चाहते हो, जो कैटेगरी आप डिनाई करना चाहते हो, वो आप इस तरीके से HTTP रिक्वेस्ट, वेब एक्शन और इस तरह से आपके जो है क्रिएट हो सकते हैं। अब इस रूल में, इस पॉलिसी में जो भी आप यहाँ पे, यानी कि मतलब सीधा सा एग्जांपल ये है कि जितनी कैटेगरी आप यहाँ पे ऐड करोगे, तो जो फिल्टर आपका यूज होगा वो सिर्फ उसी वही फिल्टर मतलब उस पॉलिसी में जितनी भी कैटेगरीज आपने ऐड की हुई हैं उन्हीं कैटेगरीज पे आपका वेब फिल्टर काम करेगा। अगर कोई यूआरएल इस कैटेगरी के बाहर से आता है या फिर इस कैटेगरी में डिफाइन नहीं होता है, मतलब ये स्कैन नहीं कर पाती है, तो वो ट्रैफिक जो है आपका एग्जिट हो जाएगा। और यूजर अगर वो जैसा भी ट्रैफिक होगा, मतलब जनरल जो इंस्ट्रक्शन होंगे उस ट्रैफिक के लिए सिर्फ वही अप्लाई होंगे, यानी जो ग्लोबल सेटिंग्स होंगी वही अप्लाई होंगी, और यूआरएल जो है वो एक्सेस भी हो सकता है और एक्सेस नहीं भी हो सकता है, दोनों कंडीशन होती हैं। क्योंकि जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर सिर्फ वही कैटेगरीज स्कैन होती है जो आप ऐड कराओगे मैनुअली, और उसी के अंदर जो भी डेटा आपका होगा वो उसी के अंदर उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा कि उसको अलाउ कराना है, डिनाई करना है ट्रैफिक। तो सारे एक्शन जो है उस पॉलिसी के बेस पे डिफाइन करेगी फायरवॉल इन वेब फिल्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने लाइव जो देखा है वो ये था कि हमने वेब फिल्टर देखा है उसमें जैसे हमारा जो पॉलिसी क्रिएट होती है, सबसे पहले हमारे पास यूआरएल की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या कौन सा यूआरएल है, कैसा है, किस कैटेगरी में आ रहा है। तो वहाँ पे हम दोनों केस कर सकते हैं, फर्स्ट अलाउ और डिनाई, जो भी हमको डिसाइड करना है वो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें कैटेगरी, अगर हमें कोई कैटेगरी बनानी है तो हम बना सकते हैं, और नहीं तो हमें पर्टिकुलर कैटेगरी जो भी अलाउ डिसअलाउ करानी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें पॉलिसी क्रिएट होगी करनी होगी रिस्पेक्टेड टू द पर्सन और रिस्पेक्टेड टू द डिपार्टमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट को एक्सेस दे सकते हो, आप किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को एक्सेस दे सकते हो, ग्रुप ऑफ आईपीस को एक्सेस दे सकते हो। तो वहाँ पर आपको अपनी तरीके से जो है पॉलिसी क्रिएट करनी होगी और वहाँ पे कैटेगरीज जो है अलाउ और डिनाई करनी होंगी, तो ही आपका ट्रैफिक जो है, तो ही आपका वेब फिल्टर जो है वर्क करेगा आपके इन और आउट ट्रैफिक पे। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर दिस वीडियो, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।